हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम लोग अपने नए वीडियो में दिए हुए एक्सरसाइज में नए टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चन इस मॉडल के एक्सरसाइज में दिए गए हैं, इस मॉडल के क्वेश्चन को कैसे समझेंगे और कैसे इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि जो डायरेक्ट मेथड है, एज्यूम्ड मेन मेथड है, स्टेप डेविएशन मेथड है, उसमें FI दिया हुआ है, इसमें FI नहीं पता चलता है। कभी कभी स्टूडेंट कंफ्यूज करके इसी को FI मान लेते हैं, जिसके कारण सारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। आपको ये बताएंगे कि ये फ्रीक्वेंसी नहीं है FI, बल्कि इसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप बोलेंगे, तो ये ज्यादा सुटेबल होगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से सबसे पहले हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना होगा। तो आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। सामने है द फॉलोइंग टेबल शोज द मार्क्स स्कोर बाय 80 स्टूडेंट इन एन एग्जामिनेशन। क्वेश्चन ये आपके सामने है, देन फाइंड मीन ऑफ फॉलोइंग डेटा। इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन डालते हैं। यहां पर लिखेंगे मार्क्स इंटरवल, यहां लिखेंगे फ्रीक्वेंसी। FI यहां क्रॉस मार्क्स लिखेंगे, XI, फिर यहां DI लिखेंगे, XI माइनस A, और स्टूडेंट यहां लिखेंगे UI इज इक्वल टू DI बाई H, UI इंटू FI। इतने कॉलम हम लोग बनाएंगे, यहां लिखेंगे जैसे लिखा हुआ लेस देन 5, तो हम 0 से 5 इंटरवल के बीच की बात करते हैं, 0 टू 5। लेस देन 10 मीन्स 5 टू 10, 5 टू 10। लेस देन 15 मीन्स 10 टू 15, लेस देन 20 मीन्स 15 टू 20, ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव, ट्वेंटी फाइव टू थर्टी, थर्टी टू थर्टी फाइव, थर्टी फाइव टू फोर्टी। फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट होता है स्टूडेंट, देखिए कैसे हम लिखेंगे। आपको थ्री फर्स्ट जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उसको इस कॉलम के सामने ऐसे ही लिख दिया जाता है, फिर इसको इस प्रकार से लिखा जाएगा, 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7। 25 को लिखेंगे स्टूडेंट, 25 माइनस 10 इज इक्वल टू 15, और 49 माइनस 25, 9 में 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4, 24, और स्टूडेंट ये हो जाएगा 65 माइनस 49, और 15 में से 9 गए 6, और 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया तो 1 हो गया। यहां पर आपका लिखा हुआ है 73, 73 माइनस 65 इज इक्वल टू 13 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो 8 होगा, और 5 में 6 में 6 गया तो 8 ही होगा। यहाँ पे आपका है 78 माइनस 73, 8 में से 3 गए 5 होगा,
और 80 में से 78 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पे 2 होगा, ये फ्रीक्वेंसीज हो जाएगी। स्टूडेंट यहां पे फाइंड कर लेंगे fi, 3 और 7 10 15 19 25 33 38 40 5 7 8, ये आपका 80 हो गया। आइए स्टूडेंट अब क्लास मार्क्स के को सॉल्व करते हैं। 0 और 5, टू पॉइंट फाइव, 5 टू 10, 7.5, 10 to 15, 12.5, 15 to 20, 17.5, 20 to 25 by 2, 22.5, 25 plus 30 by 2, 27.5, 30 to 35 by 2, 32.5, 35 plus 40 by 2, 37.5। स्टूडेंट एज्यूम्ड वैल्यू मानने के लिए हमने आपको सिखाया था कि 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसके 2 मिडिल टर्म्स होंगे, इन 2 मिडिल टर्म्स में हमने इसको एज्यूम्ड वैल्यू मान लिया और यहां पर लिखेंगे 2.5 माइनस 22.5 और 7.5 माइनस 22.5, 12.5 माइनस 22.5, 12.5 इसको स्टूडेंट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -20 मिलेगा, ये -10 मिलेगा, ये -5 मिलेगा, ये 15 है, ये 10 है, 17.5 माइनस 22.5 -5, 22.5 माइनस 22.5 = 0, 27.5 माइनस 22.5 = 5, 32.5 माइनस 22.5 = 10, 37.5 माइनus 22.5 = 15।
यूआई स्टूडेंट फाइंड आउट करना है एच की वैल्यू। यहाँ पर दिया गया है क्लोज इंटरवल की लंबाई तो 5 है तो एच 5 हो जाएगा। माइनस 20/5 माइनस 4 15/5 इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस 10/5 इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5/5 इज इक्वल टू माइनस 1 0/5 इज इक्वल टू 0 5/5 इज इक्वल टू 1 10/5 इज इक्वल टू 2 15/5 इज इक्वल टू 3। UI FI फाइंड आउट करना है तो FI आपके पास ये लिखा हुआ है माइनस 4 इंटू 3 माइनस 12 माइनस 3 इंटू 7 माइनस 21 माइनस 2 इंटू 15 माइनस 30 माइनस 1 इंटू 24 माइनस 24 0 इंटू 16 0 1 इंटू 8 2 इंटू 5 3 इंटू 2 6 समेशन यू आई एफ आई। स्टूडेंट यहां वर्क आपको करना है नेगेटिव जितने टर्म्स हैं उसको ऐड करके एक जगह लिख लेना है, पॉजिटिव को उसको ऐड कर देना है। तो 2 1 3 3 4 7 1 2 3 3 6 6 2 8 87 प्लस 24 7 में से 4 गए 3 और 8 में से 2 गए 6 माइनस 63 तो ये हो गया 63। अब फार्मूला लिखते हैं स्टेप डेविएशन मेथड से इसको सॉल्व करते हैं मीन एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस एच समिशन यू आई एफ आई बाय समिशन एफ आई। एज्यूम्ड वैल्यू स्टूडेंट 22.5 है, एच की वैल्यू 5 है, माइनस 63 अपॉन 80 5 16 22.5 माइनस 63.16 16 3 जा 48 5 15 9 इसे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 15 में से 9 सब्ट्रैक्ट किया 6 होगा और 11 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया 8 होगा 18.6 एक्स बार इज इक्वल टू 18.6 समथिंग के इसका वैल्यू हो जाएगा। एक क्वेश्चन और स्टूडेंट मैं आपको करा देता हूं, आपको हम लिख करके देते हैं जो एक्सरसाइज में दिया गया है उसको इसी तरीके से सॉल्व करना है। दूसरा क्वेश्चन स्टूडेंट इस टाइप का है, द फॉलोइंग टेबल शोज द मार्क्स ऑफ स्कोर बाय 75 स्टूडेंट इन एन एग्जामिनेशन।
मार्क्स ऑफ 10, नंबर ऑफ स्टूडेंट लेस देन 10, मीन्स 10 से जो भी 75 स्टूडेंट किसी एग्जाम में सम्मिलित हुए हैं, उनमें से जो 14 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 10 मार्क्स से बिलो गेन करते हैं, और 22 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 20 से बिलो गेन करते हैं और 10 से अबव गेन करते हैं, और 37 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 30 से बिलो और 20 से अबव गेन करते हैं, और 58 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 40 से बिलो और 30 से अबव गेन करते हैं, 67 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 50 से लेस गेन करते हैं और 40 से अबव गेन करते हैं, और 75 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 60 से बिलो गेन करते हैं, 50 से अबव गेन करते हैं। ऐसे ऐसे जो है क्वेश्चन जब दिए हो तो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, आइए इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। सॉल्यूशन है मार्क्स 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। यहां पर मार्क्स के पास यहां हम फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट होता है स्टूडेंट, हमने आपको बताया है कि पहली जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है इसके सामने आप लाए से 14 लिख देंगे, फिर 20 में 14 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 22 माइनस 14 इज इक्वल टू 8, और 37 माइनस 22, 7 में 2 सब्ट्रैक्ट किया 5, 15, यहां पर 58 में 37 सब्ट्रैक्ट किया 21, और यहां पे स्टूडेंट 67 माइनस 58 सब्ट्रैक्ट किया तो 9, और यहां पर है स्टूडेंट 75 माइनस 67 8। ये फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट हो गया। फ्रीक्वेंसी के यहाँ पे आप अगर समीशन या फाइव फाइंड आउट करना चाहते हैं तो समीशन फाइंड आउट कर लें, 4 और 8 12, और 12 में 5 ऐड किया 17, 18, 18 और 9 27, 27 में 8 ऐड किया, अब ऐसे ही तो ये हमने ऐड कर दिया, समीशन एफआई हमने निकाल लिया है। अब आपको क्लास मार्क्स निकालना है, क्लास मार्क्स के लिए हमने आपको बताया है DI is equal to XI minus A, UI is equal to DI by H, UI into FI, XI 0 plus 10 by 2 5, 10 plus 20 upon 2, 15, 20 plus 30 by 2, 25, 30 plus 40 by 2, 35, 40 plus 50 by 2, 45, 50 plus 60 by 2 is equal to 55.
एज्यूम्ड वैल्यू मानना है। मानने के लिए हमने आपको बताया था कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 एक इवन नंबर है तो टू मिडिल टर्म्स होंगे और वो टू मिडिल टर्म्स आपके ये दो हैं, इनमें से इसको हम एज्यूम्ड वैल्यू मान लेते हैं। तो यहां पे हम लोग निकालेंगे 5 माइनस 35 माइनस 20 और 25 माइनस 35 माइनस 10 और 35 माइनस 35 0 45 माइनस 35 10 55 माइनस 35 20। H की वैल्यू है स्टूडेंट 10। अब यहां पर हम निकालेंगे माइनस 30 अपॉन 10 इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस 20 अपॉन 10 इज इक्वल टू माइनस 10 बाय 10 इज इक्वल टू माइनस 1 20 बाय 10 इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 3 इंटू 40 माइनस 42 माइनस 2 इंटू 8 माइनस 16 माइनस 1 इंटू 15 माइनस 15 0 इंटू 21 0 1 इंटू 9 और 2 इंटू 8 16। स्टूडेंट यहां रफ वर्क करेंगे और इन नेगेटिव टर्म्स को ऐड करेंगे 6 और 2 8 8 और 5 13 2 3 7 माइनus 73 25। थर्टीन में से 5 सब्ट्रैक्ट किया तो 8 हुआ, 6 में से 2 गए 4 माइनस 48। मीन एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस एच समेशन यू आई एफ आई बाई समेशन एफ आई। ए की वैल्यू 35 प्लस 10 माइनस 48 अपॉन 75। 3 2 3 1 3 6 3 2 3 5 3 2 3 5 35 माइनस 160 अपॉन 25 35 माइनस 25 6 150.4। सब्ट्रैक्ट किया तो स्टूडेंट 10 में से 4 गए 6 और 14 में से 6 गए 8 28.6। एक्स बार इज इक्वल टू 28.6। स्टूडेंट एग्जाम में और एक्सरसाइज में चाहे वो सीबीएसई का हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड के क्वेश्चंस हो, चाहे यूपी बोर्ड के क्वेश्चंस हो, किसी भी बोर्ड के क्वेश्चन अगर इस मॉडल के मिलते हैं तो आप इसमें वैल्यू रख करके इसके आंसर आप फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू, आपसे हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।